राज्य में बिजली कटौती से आम आदमी तो परेशान है ही, लेकिन बिजली कटौती से राज्य के उद्योगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी मुद्दे पर सिडकोल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन अध्यक्ष हरिंदर गर्ग से बात की है हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली ने। बिजली कटौती इन दिनों मुसीबत का सबब बनी हुई है और सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो इंडस्ट्री को हो रहा है। इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग इस कटौती को कैसे देखते हैं? सर, देखा जाता है कि पिछले एक डेढ़ महीने से बहुत ज़्यादा कटौती हुई है, इंडस्ट्री को लेकर के लोग पहले से ही नाराज हैं सरकार की नीतियों को, लेकिन बिजली कटौती को क्या माना? हाँ, देखिए, बिजली कटौती पहली चीज़ तो पूरे कंट्री में है, लेकिन मार्च में ये कटौती अभूतपूर्व हो गई थी। मार्च के बाद में जब नई सरकार का गठन हुआ प्रदेश में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभागों का बंटवारा किया और साथ में बिजली के लिए भी उन्होंने पहल की। नतीजा इस बारे में कई बैठकें हुई, यूपीसीएल के साथ हुई, आदरणीय सचिव साहब ने बैठक ली, रिजल्ट्स काफ़ी इम्प्रेसिव थे, यानी कि बहुत सारे सुधार किए गए और हम ये मान के चलें कि स्थिति लगभग 15 जून तक काफ़ी ठीक ठाक रही। लेकिन इस बीच के बाद में, जैसा कि यूपीसीएल सूत्रों से हमें ज्ञात हुआ और हमें डिस्कशन हो रहा है कि इन्होंने जो एक्स्ट्रा रेट पे बिजली खरीदा, उस बिजली को यूईआरसी ने कंफर्म नहीं किया, और दूसरा इनके पास में फंड्स की शॉर्टेज हो गई। अब ये विषय राज्य सरकार का और यूपीसीएल के बीच का है कि वो इन्हें कुछ फंड मुहैया कराए, आइदर लोन, सब्सिडी, वट एवर इट इज़, कोई तरीका तो होगा जो निकालें, बैठें, डिस्कस करें। चूँकि आज की स्थिति, चूँकि हम पिछले हफ्ते ही हमने यूपीसीएल के एमडी साहब के साथ में और उनकी टीम के साथ में मीटिंग की थी, उस मीटिंग में जो असल मुद्दा निकल के आया कि उनके पास में चूंकि फंड्स की शॉर्टेज है और वो चाहकर भी बिजली नहीं खरीद पा रहे हैं। अब इस चीज़ को हम लोग, चूंकि हमें इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को तो बिजली चाहिए, और दिवाली का सीज़न सबके सामने, जो सबसे बेस्ट सीज़न होता है इस कंट्री में, इसका नुकसान देर समय राज्य सरकार को क्या है कि उनका राजस्व पर पड़ेगा या रोजगार पर पड़ेगा। तो हमारी अपील राज्य सरकार से यह है कि वो इस मामले को तुरंत देखें और एज सून एज पॉसिबल इस मामले का कोई ना कोई समाधान निकालें। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट से, मुख्यमंत्री से बात हुई या यूपीसीएल से कोई बात हुई कि कब तक ये मामला? देखिए, हमारी बात यूपीसीएल के एमडी साहब और उनकी टीम से लगातार चल रही है और हम टच में रहते हैं उनके साथ में। हमारी इसमें उनकी बातचीत का रिजल्ट ये कि उनके पास में फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। मैं चाहूँगा, चूँकि हमने मुख्यमंत्री कार्यालय से भी संपर्क साधा है और सचिव साहब को भी लगातार हम लोग इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मेरा पुनः आग्रह है कि इस मसले पे एक बार औद्योगिक संगठनों के साथ बैठक की जाए और इस मामले को जल्दी से जल्दी इसकी बैठक की जाए। कितना रेवेन्यू का लॉस मान सकते हैं जिस तरह से कटौती चल रही, क्या इंडस्ट्री वाले को पहले ही जाने को यहाँ से, उत्तराखंड से? देखिए, अब अगर मैं इन टर्म ऑफ वैल्यू की बात करूं तो आज की तारीख में 4 घंटे का पावर कट है, मिनिमम 5 घंटे भी हो रहा है तो वो एक बड़े नुकसान की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अभी तो आदमी क्या होता है कि उसको कट करके ले लेता है, लेकिन अभी जो सामने वाला सीजन आ रहा है जो अगस्त से शुरू होगा, इस सीजन में दिवाली के लिए माल बनेगा और हमारे यहाँ पर दिवाली से लेकर होली तक का सीज़न लगभग 65-70% कंट्रीब्यूशन होता है पूरे साल की रेवेन्यू का, तो उस समय स्थिति बहुत ख़राब होगी, ऐसा मेरा मानना है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से जुड़े हरिंदर गर्ग बता रहे हैं कि 7 से 8 घंटे की बिजली कटौती हो रही है और ये उद्योगपतियों के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत ही मुसीबत बन रही है। हालांकि अपील की गई है राज्य सरकार से, यूपीसीएल से, कि इस व्यवस्था को जल्द से जल्द सुधारा जाए। कैमरा सहयोगी मनु राजपूत के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक देहरादून।